नमस्कार। थे देखण लाग रहा हो कलम न्यूज। राजस्थान के माँ बिजली की दरां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जान लाग रही है। ई वास्ते लोग ई बढ़ती हुई दराओं परेशान हैं। थाने बताना चाहवा कि बिजली की दरां अगर दिल्ली की बात करां तो सबसे कम है और कई स्टेटा के माँ भी बिजली की दरां कम है, परंतु राजस्थान के माँ बिजली की जी की दरां हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भी आम जनता परेशान भी है क्योंकि मीटर किरायो है और कई तरह का बीमा टैक्स और लाग जाए। जने पठे बिल जिको है वो मोटो सारो आ जाए, जने लोगों की नींद हराब में कर रखी है। इन वास्ते आज भादरा का जिका बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति है, शैलेंद्र भादरा और बांगी टीम आज प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला जिको हनुमानगढ़ के दौरे पर आ बांगे साथे आज आर बातचीत करिया है और जिका मीटर करायो है कई तरह का टैक्स बिल के मान लाग रहा है। बांगी तरफ बांगो ध्यान खींचो है और वह मांग करी है कि कोरोना काल में लोग पहले ही परेशान आ, ई वास्ते आना जिका टैक्स है वह कम कराया जाए। आइए थाने सुनावा कि वह के कहो है। हमारा सर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ का पिछला 1.5 साल से बिजली के जो बढ़े हुए दाम हैं उसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है और हमने जो लगातार सरकार से मांग की है कि लंबे समय से महामारी के इस संकट के अंदर जो उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं भर पाए, जिनके बिल बकाया हैं, जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसान हैं, उनका सबका जो बिल है वो माफ़ होना चाहिए, परंतु सरकार है वो लगातार इस चीज़ की अनदेखी कर रही है। हमने जो बिजली के बिल के अंदर जो स्थायी शुल्क लग के आता है, स्थायी शुल्क के साथ साथ विद्युत शुल्क लग के आता है, नगरीय कर के रूप में राशि जुड़ के आती है, अन्य के रूप में राशि जोड़ के भेजते हैं, उसके साथ साथ जो है जल संरक्षण के नाम पे भी जो है वसूली बिलों के अंदर होती है, तो तरह तरह की जो चीज़ें, तरह तरह के अलग अलग टैक्सेस लगा के जो व्यक्ति 200 रुपये की बिजली जलाता है उसको 1000 रुपये का बिल दिया जा रहा है, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। 200 रुपये की बिजली जला रहा है उसके ऊपर 800 रुपये का अन्य चार्ज लगा के जो वसूली हो रही है, ये तो सरासर एक तरीके से ठगी हुई। तो हमारा जो ये आंदोलन है, हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये अन्य चार्जेस के रूप में जितना भी है वो हटाया जाना चाहिए, सिर्फ यूनिट चार्ज का है वो वसूली होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है यही जो कांग्रेस की सरकार है अलग अलग चुनावी राज्यों में जाके बोल रही है कि हम जो है अगर सत्ता में आएंगे तो जो 200 यूनिट बिजली है वो मुफ्त देंगे, तो जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ की जनता लगातार लड़ाई लड़ रही है, उसको ये 200 यूनिट बिजली देने की जो बात है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करना चाहते हैं, यही इससे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो है ये पूरा इलाके के अंदर जिसमें ये मूवमेंट चल रहा है भादरा और नोहर के अंदर, वहाँ जो है कोरोना संकट की वजह से और खेती के ऊपर तरह तरह की ओलावृष्टि हुई और जो तूफान की वजह से भी कलजी फसलें खराब हो गई और लंबे टाइम से लोगों के बिजली के बिल अटके हुए थे। कोरोना के अंदर सरकार ने खुद बोला था कि आप 3 महीने तक आपको छूट दी जा रही है, तो लोगों को लगा कि कुछ छूट मिलेगी, मगर सरकार ने अभी तक कोई छूट नहीं दी है। अभी हम मंत्री जी से भी मिले हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम ब्याज में माफ़ी कर सकते हैं, ब्याज छोड़ सकते हैं, मगर जो है सिर्फ पेलेंटी का ऊपर का जो चार्जेस छोड़ देने से नहीं होगा जब तक उसको पुराना बिलों को या तो पूर्ण रूप से माफ़ किया जाए या फिर जो है सिर्फ जो विद्युत चार्ज है वो उन उपभोक्ताओं से वसूले, तब जाके कोई है गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान भाई वो बिल भर सकते हैं, अन्यथा उनके बस की बात नहीं है। 1000 रुपये के बिल हो चुके हैं लोगों के, वो असमर्थ हैं और वो सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार है सुन नहीं रही है। इसके साथ साथ तो हमारी मांग है कि जो बिजली विभाग की जो प्राइवेट कंपनियों को जो टेंडर दे रखा है ये घटिया और तेज़ चलने वाले बिजली के मीटर लगा रखें। हम आए दिन देखते हैं बिजली के बिलों के अंदर कि अचानक जो है जिस व्यक्ति को 500-600 रुपये का बिल आता था अचानक उसको 3000-5000 रुपये का बिल आ रहा है, और जाके विभाग में पता करते हैं तो ये बताते हैं कि इनके मीटर जंप मारते हैं, ऐसे घटिया मीटर लगा रखे हैं जिससे जो है आम उपभोक्ता को बहुत परेशानी हो रही है। तो ये भी हमने इसको मंत्री जी के सामने रखा है कि ये जो तेज़ चलने वाले मीटर हैं इनको हटाया जाए और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता वाले मीटर लगाए जाएँ। इसके साथ साथ जो है जो बिजली विभाग का जिस तेज़ी से निजीकरण हो रहा है उसकी वजह से ये ठगी लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो मांग है कि निजीकरण के ऊपर रोक लगे, बिजली अधिनियम 2020 जो केंद्र सरकार लेके आ रही है वो खारिज हो, अगर ये सब नहीं होगा तो आम आदमी के बस की बात नहीं रहेगी घर में बल्ब भी जलाना,
गरीब आदमी घर में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए रात को रोशनी भी नहीं कर सकता, इतना महंगा बिजली अभी हो रहा है। तो हमारी मानी जाएगी आगे आपका क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमारा लगातार जो 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है, हमने उस आंदोलन के अंदर पिछले हनुमानगढ़ पूरा जिले के अंदर पिछले वर्ष हमने ऊंट गाड़ी यात्रा निकाली थी। हम सातों की सातों तहसीलों में गए थे और वहाँ पे हमने लोगों को इस संबंध में जागरूक किया था। अभी जो पिछली 22 फरवरी से लेके 3 मार्च तक हमने हनुमानगढ़ के नोहर तहसील से लेके और जयपुर तक अलग अलग जिलों में घूमते हुए, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर होते हुए हमने जयपुर तक अलग अलग जिलों में गांव-गांव हम गए हैं। और ये जो बिजली के मुद्दे पे आम जनता को एकजुट कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, जहां भी ये संघर्ष चल रहे हैं उन संघर्षों को और मजबूत करेंगे। और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। अब देखने वाली बात आई है कि बीडी कल्ला जो कि ऊर्जा मंत्री व्या बांगे आगे या समस्या रखी गई है, अब देखो पड़ोगों के आगे राजस्थान सरकारों तरफों कोई रात उपभोक्ता ने मिले के कोनी मिले जा इं तरह उपभोक्ता जिका है वे परेशान होता रोता कलांता इं ही अपनी मांगा ने फिर पुठा इं राखता रवेला। कलम न्यूज तरफों सगड़ा ने राम राम।